चंडीगढ़ एक सभा को संबोधन करने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके साथ चंडीगढ़ की एमपी किरण खेर भी मौजूद रही, जहां नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का गुणगान किया। वहीं पर विरोधी पार्टियों पर भी तीखे वार किए। गडकरी ने कहा कि वर्ल्ड की कम्युनिटी विशेष रूप से लगातार आतंकवाद के खिलाफ है। वहीं उन्होंने किरण खेर को फिर से चुनाव में जिताने की जनता से अपील की। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आसीन बहुत ही आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, जान से प्यारे हमारे मंत्री साहब श्री नितिन गडकरी जी, हमारे चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष श्री संजय टंडन जी, हमारे संगठन मंत्री श्री दिनेश कुमार जी, अकाली दल के अध्यक्ष और शहर के सीनियर डिप्टी मेयर हरदीप सिंह जी, अरुण सूद जी, सतेंद्र जी, चंद्रशेखर जी, प्रेम कौशिक जी, भाई और बहनों, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, यशपाल महाजन जी, कमला शर्मा जी, हमारे बाकी काउंसलर्स, सब प्रेस के मित्रों, नितिन जी की शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो भी इनके साथ जुड़ जाता है वही थोड़ी देर के लिए ये उसका दिल उसी वक्त जीत लेते हैं। ये हमारे इंस्टेंट इंस्टेंट कॉफी होती है ना, ऐसे ही इंस्टेंट डिसीजन मेकर हैं नितिन गडकरी जी। इस शहर में उन्होंने इतने, इस देश में उन्होंने इतने काम करवा दिए। आई थिंक कुछ 27 किलोमीटर प्रतिदिन के उससे आप रोड्स बनवा रहे हैं, अभी 32 हो गया। देखिए, जब मैंने लास्ट सुना था 27 था, 32 किलोमीटर प्रतिदिन गांव-गांव में सड़कें पहुंच गई। हर जगह पर इनके दफ्तर जाइए, इनकी सोच ऐसी होती है कि काम करना कैसे है। ये कभी नहीं नकारात्मकता नहीं करते कि कैसे होगा, बड़ा प्रॉब्लम है, सोचते हैं, देखते हैं, नहीं, हो सकता है तो तुरंत होना चाहिए। सॉरी, मैंने 118% अपना एमपीलैड फंड करा खर्चा है, क्योंकि 100% तो अपना खर्चा ही है। पिछले जो सांसद थे बंसल साहब, वो छोड़ गए थे पूरा एक साल का फंड, वो भी मैंने खर्च दिया। सर, मज़ा बड़ा आता है लोगों के लिए, चाहे वो साइन करके इतने करोड़ दे दो, लोगों की सड़कें बन गई, इतने करोड़ दे दो, लोगों की लाइटें लग गई। हमने हर जगह लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए काम किए हैं। सिर्फ फट्टियां लगे 4 टैंकरों पे इसलिए नहीं किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। कितने ओपन एयर जिम दिए, कितने सारे लाइटें, पार्क्स, बेंचेस, पार्क्स कितनी दी हैं, एलपीजी क्रेमेटोरियम दिया है, बहुत कुछ दिया है। मेरे लोग तो ये सुनते सुनते बेचारे तंग भी आ गए होंगे, रोज उनको यही सुनाती हूँ मैं, स्मार्ट सिटी बनी चंडीगढ़। हर एमपी लैंड में कितने पार्क्स डेवलप किए हमने, जनरेटर्स दिए गांव में उनको बूस्टर के ऊपर, ताकि उनको पानी का प्रॉब्लम ना आए। आगे भी बहुत कुछ शहर के लिए हम करना चाहते हैं, इसीलिए जो नेशनल इश्यूज हैं वो मैं गडकरी जी के लिए छोड़ रही हूँ कि वो बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत, जय। 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हिंदुस्तान की तस्वीर को बदली है। विशेष रूप से हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत तेजी से बदला है। मुझे इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप पंजाब में किसी भी जिले में जाइए, हरियाणा में जाइए, हिमाचल में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, कश्मीर में जाइए, आप जहाँ जाएंगे आपको वहाँ अच्छे अच्छे रोड, टनल्स, ब्रिजेस के काम होते हुए दिखेंगे। और पहली बार ये काम बहुत गति से चल रहे हैं। मैं जब मंत्री बना तो मेरे रोड डिपार्टमेंट में करीब 403 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ रुपए थी वो बंद पड़े थे, और उस समय आखिरी में 2 किलोमीटर पर डे रोड का स्टैटिस्टिक, लगभग 2 किलोमीटर पर डे रोड बनने तक आया था। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने और मेरी विभाग ने हिंदुस्तान के बैंकों को 3,00,000 करोड़ के एनपीए से बचाया।
और वो प्रोजेक्ट फिर से चालू हो गए और कुछ प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए और करीब मेरे ही डिपार्टमेंट में 17 लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। 17 लाख करोड़। कोई पत्रकार चाहता है तो मेरे वेबसाइट में मैं उनको पूरे डिटेल टोटल दे सकता हूँ। रोड मिनिस्ट्री में ये काम होते हुए इतने बड़े बड़े काम हमने हाथ में लिए हैं कि दिल्ली का रिंग रोड बन गया है। आपको यहाँ से अगर दिल्ली के अंदर से उत्तर प्रदेश राजस्थान जाना पड़ता था तो देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल दिल्ली का रिंग रोड बना है और जो 13,000 करोड़ का है, जिसके कारण काफ़ी समय की बचत हुई है और दिल्ली का 38% पोल्यूशन भी कम हुआ। और 10 लाख करोड़ का हम प्लास्टिक इंपोर्ट करते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसके सब के प्रूफ मेरे पास है, ऐसी मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि कुछ भी बातें कहता हूँ। ये कोई पत्रकार मुझे आज तक 35 साल में मैंने जो कहा उसके बारे में सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखा पाऊँ और जो किया हुआ है वही बता रहा हूँ। ये जो बॉटल है इसका सैंपल मेरे पास है, मैं खुद 1.25 लाख लीटर इथेनॉल पर डे बनाता हूँ। अब इससे बायोप्लास्टिक बनती है, ब्राज़ील में अभी बन रहा है और ये 78 आवर में डिग्रेडेबल होता है। और यूके में और अमेरिका में अभी प्लास्टिक इसका बन रहा है जो पेट्रोलियम प्लास्टिक के बराबर है उसका रेट। और इसलिए देश का किसान अगर ये 10 लाख करोड़ का जो प्लास्टिक हमारे देश में इम्पोर्ट हो रहा है उसके बजाय अगर किसान बायोप्लास्टिक बनेगा और इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस।